आप सभी लोगों का वेलकम है एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम ग्रो करेंगे मैरीगोल्ड और कैलेंडुला। तो आप देख सकते हैं, ये है मेरे पास मैरीगोल्ड का पैकेट और इस पैकेट की प्राइस है जो कि 50 रुपीज़ है, पर ये मुझे नर्सरी पे 10 रुपये पैकेट मिल गया है। तो हम एक पैकेट लेकर आए हैं और इसमें कम से कम 40 सीड हैं। आप देख सकते हैं, ये है देसी एब्राइटी का और ये है हमारा कैलेंडुला। तो ये सब सर्दियों के प्लांट हैं, फूलों वाले। और इसकी भी प्राइस हम देख लेते हैं, तो इसकी प्राइस है 35 रुपये, जो कि नर्सरी पे 10 रुपये ही हमें ये भी पैकेट मिला है। तो आप जब भी पैकेट लें तो उसकी MRP पे ना जाएं, ये पैकेट बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो हमने 2 गमले तैयार किए हैं और दोनों गमलों में हमने इसमें सैंड भी मिला ली है मिट्टी में, ताकि हमारे जो सीड हैं वो बहुत ईजली ग्रो हो जाएँ। तो पैकेट काट लिया हमने वीडियो रोक के, और अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारे सीड हैं। तो हम पैकेट को खोलते हैं तो देख सकते हैं, इसमें कुछ इस तरह के आपको मैरीगोल्ड के बीज मिल जाएंगे। और इसको हम पूरे गमले पे जो है फैला देंगे, तो एक जगह सारे सीड नहीं गिरने चाहिए। तो मेरे तो सारे एक जगह ही सीड गिर रहे हैं, तो कोई नहीं, हम इनको पूरे गमले में हाथों से ही फिर पूरे गमले में फैला देंगे, ताकि अगर एक जगह ये सारे सीड गिर जाएंगे तो सारे प्लांट हमारे बहुत ही घने हो जाएंगे, जिससे उनकी जो रूट है वो रूट बाउंडिंग हो जाएगी। इसलिए हम इनको पूरे गमले में फैला देंगे। तो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। बाकी आप अगर सीडलिंग ट्रेस में भी आप सीडलिंग कर सकते हैं, आपके जो सीड हैं वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, तो आप किसी भी जगह उनको ग्रो करते हैं तो सीड ग्रो हो जाएंगे। तो मैरीगोल्ड हमने इसमें डाल दिए हैं सारे सीड। अब इसको गमले को हम करेंगे साइड में, और अब हम इसके गमले को रखते हैं साइड में और इसमें भी हम वाटरिंग करेंगे। उससे पहले हम कैलेंडुला जो है उसके भी सीड हम इसमें डाल देते हैं। तो देखते हैं कैलेंडुला के सीड किस तरह इसमें हमें मिलते हैं, तो दिखा देते हैं। इसमें से छोटा सा देख सकते हैं, ये पॉली बैग है छोटा सा, और एयर टाइट इसको किया गया है ताकि सीड इसके ख़राब ना हो। और ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के सीड देखने में लग रहे हैं। और ये जो सीड है कैलेंडुला के, ये जैसे सौंप होती है उसी टाइप के हैं, और अगर इन्हें देखें तो एक नज़र में ऐसे लगते हैं जैसे किसी तरह के ये कीड़े हों। देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से मैं ये सीड को डाल रहा हूँ। तो देख सकते हैं, तो लगभग हमने सारे सीड इसमें डाल देने हैं। तो हमारे जब प्लांट इसमें ग्रो हो जाएंगे तब उनको हम दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे। अभी हम इनकी सिर्फ सीडलिंग तैयार कर रहे हैं, बाकी हम इनको 10 इंच के गमले या 8 इंच के गमले में हमें इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब इस गमले को हमको छाया में रखना है, डायरेक्ट इस पर सनलाइट हमें नहीं देनी है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इन गमलों को रखना चाहते हैं सीडलिंग ट्रे को, तो आप इस पर पोलोथीन लगा सकते हैं, जिससे डायरेक्ट सनलाइट मिलने से इसकी मिट्टी ड्राई ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।